एवरीवन, माय सेल्फ भावना राणा सामरिंका सरस्वती विद्या मंदिर नानकमत्ता, सब्जेक्ट होम साइंस। और आज का हमारा टॉपिक है कुपोषण तथा इसके कारण। हम कुपोषण के बारे में पढ़ेंगे कि हम आए दिन देखते हैं कि हमारे देश में कुपोषण की जो समस्या है उससे काफ़ी जो व्यक्ति हैं या फिर बच्चे हैं वो ग्रसित हैं। तो कुपोषण के बारे में पढ़ेंगे कि कुपोषण से संबंधित मैंने डेफिनेशन आपके यहाँ पर लिख रखी है कि पोषण की अव्यवस्था तथा अनुचित भंग को कुपोषण कहा जाता है। कि हम जो पोषण ग्रहण करते हैं, हमें जो पोषण चाहिए, किसी भी व्यक्ति को जो पोषण चाहिए उसको क्या कर रहे हैं हम, उसकी अव्यवस्था का होना या फिर समुचित ढंग से किसी भी आहार या भोजन का हमें ना मिलना, वो क्या कहला रहा है, कुपोषण कहलाता है। या तो हम क्या कर रहे हैं, भोजन की जो अधिकता है उसको ज़्यादा ले रहे हैं, भोजन की जो मात्रा है उसको ज़्यादा ले रहे हैं, या फिर हम क्या कर रहे हैं कि हमें जो आहार संबंधी जो भोजन चाहिए उसकी मात्रा में क्या हो जा रही है, हमें कमी हो जा रही है, उसको क्या बोल रहे हैं हम, कुपोषण बोल रहे हैं। अब इसके कारकों के बारे में पढ़ेंगे कि कारक क्या होते हैं, कुपोषण से होने वाले कारक क्या है। तो फर्स्ट है हमारा कि पर्याप्त पोषक तत्वों का पर्याप्त ना होना, कि जो हम भोजन में ले रहे हैं उन पोषक तत्वों का पर्याप्त ना होना। जैसे कि हम भोजन में क्या क्या लेते हैं, दूध लेते हैं, अंडा, मांस, मछली तथा सब्जियां तथा विभिन्न प्रकार का भोजन लेते हैं तथा अनाज भी हम लेते हैं। तो इन सब चीज़ों का हमें पर्याप्त मात्रा में मिलना या फिर इसके क्या अधिकता से, मतलब कि ज़्यादा मात्रा में मिलना, कि जो पर्याप्त मात्रा है उसकी, इसको क्या ले रहे हैं हम, अधिकता में ले रहे हैं। तो अधिकता में लेने से मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी भी भोजन को क्या लेंगे, अधिकता में लेंगे या फिर उसकी कमी हो जाएगी तो वो क्या कहला रहा है, कुपोषण कहला रहा है। तो हम इसको क्या ले रहे हैं कि इसकी अधिकता में ले रहे हैं तो इससे क्या आ जा रही है, कुपोषण संबंधी बातें आ जा रही है। नेक्स्ट है हमारा समुचित ज्ञान का अभाव, कि हमें क्या चाहिए कि समुचित ज्ञान का अभाव, कि हमारे देश में बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता है कि भोजन को कितनी मात्रा में लेना चाहिए। भोजन का एक रेशियो होता है, एक अनुपात होता है कि भोजन को कितनी मात्रा मिले, एक अनुपात मिले, ना ही उसको ज़्यादा ले और ना ही उसको कम ले। कि अगर ज़्यादा या कम लेते हैं तो कुपोषण जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्न आर्थिक स्थिति। निम्न आर्थिक स्थिति में क्या आते हैं कि समाज में ऐसे वर्ग भी उपस्थित होते हैं जो जिनकी आर्थिक स्थिति क्या होती है, कमजोर होती है, जिनका जो क्या कर सकते हैं कि मतलब भोजन खरीद नहीं सकते हैं तथा स्थिति अच्छी नहीं होती है तथा जो क्रय शक्ति के जिनकी क्रय शक्ति खराब होती है, कि आर्थिक स्थिति के आधार पर वो क्या कर रहे हैं कि जो भोजन उन्हें चाहिए वो भोजन को वो खरीद नहीं सक रहे हैं। तो जिससे क्या हो रही है, कुपोषण की जो स्थिति है वो पैदा हो रही है। नेक्स्ट है लास्ट है हमारा ओबिसिटी। ओबिसिटी क्या होता है, कि ओबिसिटी कुपोषण का वह रूप है, कि ओबिसिटी कुपोषण का कौन सा रूप होता है, वह रूप होता है जिसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वो भोजन को क्या करता है, अधिक मात्रा में ले लेता है, कि जो ज़रूरत से ज़्यादा, क्योंकि भोजन को हमें क्या लेना चाहिए, एक निश्चित मात्रा में लेना चाहिए, तो व्यक्ति क्या कर रहा है, उसको अधिक मात्रा में ले रहा है, जिससे कि क्या हो रहा है, कुपोषण की स्थिति पैदा हो रही है। कि हम क्या बोल सकते हैं कि भोजन को ना तो अधिकता में लेना, ना ही क्या लेना, कमी करना, वो क्या कहला रहा है, हमारा कुपोषण कहला रहा है। धन्यवाद।